सीएम हेल्पलाइन की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर शुक्रवार को ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां L1 स्तर से लेकर L4 स्तर तक की शिकायतों की समीक्षा की गई। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि L1 स्तर की शिकायतें थाना स्तर तक सुनी जा सकती है। यदि उनमें संज्ञेय अपराध बनता है तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, यदि नहीं बनता है तो शिकायतकर्ता को इसकी भी जानकारी दे दी जाती है। जिले भर की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें जल्द से जल्द निराकृत हो इसकी कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों ने इस शिविर में हिस्सा लिया। यहां पर शिकायतकर्ताओं को भी बुलवाया गया था। कई मामलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले भी दर्ज किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें रहती हैं, इसको सामान्यतः L1, L2, L3, L4 चार इसके स्तर होते हैं, और L1 स्तर जो है वो थाने स्तर पर रहता है, और जिसमें यदि प्रॉपर सुनवाई नहीं होती है या फरियादी असंतुष्ट होता है तो ये L2 लेवल पे जंप कर जाती है या चली जाती है। इसमें सबसे आवश्यक है कि फरियादी को ढंग से सुना जाके और उसकी शिकायत का वैधानिक निराकरण किया जाए। कई बार संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थाना प्रभारी उसको ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, तो आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक शिविर लगाया गया है जिसमें सभी एडिशनल SP और CSP उपस्थित हैं, और शिकायतकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है, और हमारा प्रयास ये कि ये रहे इसमें किया जाएगा कि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो, और यदि कोई अपराध संज्ञेय अपराध उसकी शिकायत पे बन रहा है तो उसे दर्ज कर लिया जाए, और यदि नहीं बन रहा है तो भी शिकायत को अवगत करा दिया जाए शिकायतकर्ता को कि आपकी शिकायत पे अपराध नहीं बनता, ये कार्रवाई होनी है, या किसी दूसरे विभाग से संबंधित है तो उसको वहाँ स्थानांतरित कर। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।